आईफोन 11 ले या फिर ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आईफोन 12 मिनी ले लिया जाए, जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स टॉक अबाउट बिल्ड एंड डिजाइन। सो दोनों ही आईफोन में आपको सेम टाइप का मटेरियल मिल जाता है, सेम एल्यूमिनियम आपको मिलने वाला है, सेम बैक ग्लास, सेम कैमरा ओरिएंटेशन, सेम बटन्स, सेम डुअल स्पीकर मिल जाते हैं। लेकिन आईफोन 12 मिनी में आपको शार्प एजेस मिलती है, वहीं अगर आईफोन 11 की बात करूँ तो वहाँ पर आपको ओल्ड टाइप का डिज़ाइन मिल जाता है। सो येस, दोनों ही आईफोन काफी आइडेंटिकल है। लेकिन अगर साइज की बात करूं तो आईफोन 12 मिनी आईफोन 11 की डिस्प्ले से भी छोटा है। सो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट आईफोन चाहिए, वन हैंडेड यूज आपको करना है, तो डेफिनेटली आईफोन 12 मिनी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन आईफोन 12 मिनी में आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है जितना आपको आईफोन 11 में मिल जाएगा। और आईफोन 12 मिनी का वेट भी काफी कम है आईफोन 11 से। आईफोन 11 थोड़ा सा हैवी है आईफोन 12 मिनी से। अगर डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 11 में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है, वहीं 12 मिनी की बात करें तो इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी, कलर ज़्यादा अच्छे निकल के आएंगे आईफोन 12 मिनी में। और आईफोन 11 की बात करें तो उसमें आपको रेजोल्यूशन भी कम मिल जाता है, साथ ही साथ पिक्सल डेंसिटी भी काफ़ी कम मिल जाती है 12 मिनी से। सो डेफिनेटली आपको आईफोन 12 मिनी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन इसकी डिस्प्ले साइज़ काफ़ी कम है, 5.4 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है, वहीं आईफोन 11 में आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इसमें आपको 10R वाली डिस्प्ले ही मिल जाती है आईफोन 11 में, और 10R में पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूं और मुझे कुछ भी परेशानी नहीं आई है इसकी डिस्प्ले से। डेफिनेटली आपको आईफोन 11 में भी काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो आईफोन 11 में आपको मिल जाती है 13 बायोनिक चिपसेट, वहीं आईफोन 12 मिनी में आपको मिलने वाली है A14 बायोनिक चिपसेट। सो स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको मिलता है आईफोन 12 मिनी में, लेकिन अगर आप डे टू डे यूसेज की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। दोनों में आपको मक्खन परफॉर्मेंस मिलती है, आप दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी पे भी कोई भी गेम चला सकते हैं और आपको कभी भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। सो यस, परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर iOS अपडेट की बात करो तो 12 मिनी में आपको 4 से 5 साल का iOS अपडेट मिल जाएगा, वहीं अगर 11 की बात करो तो वहाँ पे भी आपको 3-4 साल का iOS अपडेट मिलने वाला है। सो अपडेट के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों ही आईफोन में आपको एग्जैक्टली सेम सेंसर मिल जाते हैं और दोनों में ही आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आईफोन 11 4G स्मार्टफोन है, वहीं आईफोन 12 मिनी आपको 5G के साथ आता है। सो डेफिनेटली आपको आईफोन 12 मिनी में 5G का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कैमरा की बात करें तो सो यस, कैमरा के डिपार्टमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है आईफोन 12 मिनी से। इसमें आपको लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वहीं अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो भी काफ़ी तगड़ी इससे बनती है और इसमें आपको आईफोन 12 वाला ही कैमरा दिया हुआ। और आईफोन 12 से हमने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर शूट की है, सो मैं आपको बता सकता हूँ कि आईफोन 12 मिनी में जो कैमरा यूज़ हुआ है उससे आपको काफ़ी तगड़ी वीडियो परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो यस, कैमरे में काफी इंप्रूवमेंट है आईफोन 12 मिनी में। अगर आगे बढ़ते इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको आईफोन 12 मिनी में काफी कम बैटरी मिलने वाली है। अगर डिफरेंस की बात करो तो आईफोन 12 मिनी में 800 mAh कम बैटरी है आईफोन 11 से। सो अगर मैं डे टू डे यूसेज की बात करूँ, सो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, आप इतना हैवी यूज नहीं करते अपने स्मार्टफोन को, तो आईफोन 12 मिनी में आपको एक दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। वहीं अगर आप थोड़ा सा भी हैवी यूजर है, गेम वगैरह करते हैं, तो आपको 2 बार आईफोन 12 मिनी को चार्ज करना पड़ेगा। वहीं अगर 11 की बात करो तो 11 आपको एक दिन का बैटरी लाइफ बहुत आसानी से मिल जाएगा, चाहे फिर आप कितने भी हैवी टास्क कर लीजिए आईफोन 11 पे। और अगर आपको मैगसेफ प्रोडक्ट यूज करना है तो वो आप 12 सीरीज या फिर 13 सीरीज में ही कर पाएंगे, वो आप आईफोन 11 में नहीं यूज कर पाएंगे। अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, 40,000 रुपए के आसपास दोनों ही स्मार्टफोन मिल जाते हैं। अगर आपको लेटेस्ट प्राइस चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो इन शॉर्ट, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट सिंगल हैंडेड बेटर कैमरे वाला और बेटर डिस्प्ले वाला आईफोन चाहिए तो आप आईफोन 12 मिनी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप ईमेल वगैरह टाइप नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोटी डिस्प्ले है। वहीं अगर आपको एक बेटर डिस्प्ले, मतलब बड़ी डिस्प्ले वाला और बेटर बैटरी वाला आईफोन चाहिए तो आप आईफोन 11 ले सकते हैं। आईफोन 12 मिनी में आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि ये वाला स्मार्टफोन 5G है। सो अगर आप 2-3 साल बाद इसको रीसेल करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि उस टाइम पे 5G आ चुका होगा। सो गाइज, यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए #OKBuy एंड बी सेफ।